तो जब भी हम कभी किसी जिन्नात या जिन्नात की कहानी का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, क्या ये सच में होते हैं? तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, एग्जिस्ट। कोई स्टोरी है तेरे पास? हाँ, कोई स्टोरी? हाँ है, हाँ है। क्या क्या सीन है? क्या तो सीन ये था कि 2020 का था, 20 का ही था। तो 20 का सीन था, तो हम लोग गए थे कराची, मैं था, मम्मा थी और मेरी बहन थी, तो हम लोग बस तीन थे, पापा ही, हम लोग तीन थे, कराची गए थे। तो अब हम लोगों का स्टे था मेरी खाला के घर पे, अब वो फोत हो गए, अल्लाह बख्शे, लेकिन हमारा उनके घर स्टे था। तो जो हम लोग उनके घर रात रुके हुए थे, मैं सो गया, ठीक है। मैं जब उठा ना, तो जो उनके घर के साथ ही ना, बिल्कुल नेबर फ्लैट टाइप था, उठा 12 बजे सारे ना गेट पे। अब मैं अकेला बैठा, मैं देखूँ क्या हो जाएगा, फोत हो गया, रो रहे ना, चीखे। मैंने बाहर गया, मम्मा ने कहा अंदर चलो, अंदर चलो, ले चलो। जब चीखों की आवाज़ें और बर्तनों की आवाज़ें हैं ना, मेरे माइंड में क्लिक हुआ कोई सीन है। बस उसके बाद फिर मैंने मामले की मम्मा को बोला, सिस्टर वैसे डर गई थी, तो हम लोगों ने कहा बस हम यहाँ से निकलते हैं, पर रहने की कोई जगह नहीं। एक दोस्त होती थी उसके हम लोग घर चले गए, तो चाहे मैं भी साथ हूँ, तो हम एक दिन साथ हूँ, तो रहने से कुछ नहीं हम एक दिन, तो अब वहाँ भी रुकना था, तो हम एक दिन बाद उनके घर वापस चले गए, समझो मौके पर हमें चले गए। जो भी हम लोग दोस्त के घर गए नहीं, उससे पहले क्या सीन हुआ कि लाइक हमारा अटैची बड़ा हुआ था, तो अटैची का लाइक जो हैंडल होता है ना, वो लाइक नीचे था, और एकदम से लाइक या तो होता ना ऊपर से नीचे, जब समझ आता है कि शायद वो खो गया, वो नीचे से ऊपर हुआ। ओके, जैसे ही वो हुआ ना, मेरी बस मस्जिद फटी तो हुई थी, मस्जिद फट गई। मैं कहा निकलो अम्मा निकलो, हम कुछ भी नहीं पकड़ा, बस मैं कहा भी निकलो, बस उनके घर चले गए। लेकिन जब हम वापस आए ना उनके घर, अब मुझे पता था सोते वक्त बस ऐसे के सर नीचे रखा हुआ है, कंबल लिया हुआ है, और पहले आपको फील हो रहा है कि आपके पास कोई है अराउंड, और जब आप आँखें बंद करो बस वो मोमेंट में भूलता नहीं हो, बस ऐसे लग रहा था कोई पास घूम रहा है, फिर कोई पास आके बैठ गया। हाँ, इतना इतना होता था, बताओ आँखें बंद नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं करना। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, मतलब नेक्स्ट नाइट अगली रात को ये हुआ कि मतलब मुझे आ जाना था वॉशरूम, और लाइक मैं दो, मैं सो गया था 12 बजे, और लाइक मैं 2 बजे आँख खुली मेरी, लेकिन मैं इतना बुखार, जैसे बुखार से मैं गर्म हुआ, बहुत ज़्यादा गर्म हुआ, हीट अप हुआ। okay. तो मैं उठा इतना कि मुझसे बेड से उठ के वॉशरूम ही जाया जा रहा, इतना मैं नहीं, फिर भी मैं उठा किसी तरह, तो ना जैसे 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 पिजन है ना, कबूतर धर 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 ना ऐसे यहाँ टक्करे मार रहा है। अब मुझे और जाके मतलब अपनी मम्मा को उठाया, मम्मा अगर है कोई, तो मम्मा ने, जब मम्मा ने देखा मम्मा के कोई भी नहीं जो अंदर, कुछ मैं गया, अब मैं गया वॉशरूम, ये मैं, ये मेरी बैग है, ये डोर है, और यहाँ ना ऊपर कोई चीज़ स्टे करके, कुछ चीज़ ने स्टे किया था ब्लैक कलर। अब मैं यूँ, अब देखो, अब मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें पता है यहाँ से ये यहाँ कुछ अगर मूवमेंट होगी तुम्हें पता होगा, आई कॉन्टेक्ट नहीं जाता, पर तुम्हें फील हो, फील हो जाता, तुम्हें दिख रहा है, ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा था, और जैसे कोई मुझे देख रही है, बात कसम अल्लाह की हो क्या जीतनी मुझे नहीं पता, बट ब्रो मैंने जिस तरह सुसु किया मुझे पता है, मैंने पीछे नहीं देखा, मैं इस तरह पीछे आया, कुंडी खोली है, मैं बाहर दरवाज़ा बंद, और मुझे नहीं पता मैं 3 बजे किसको उठाऊँ, मम्मा को कह रहा हूँ, मम्मा के साथ हो, वो लाइफ का सबसे स्केरियस्ट मोमेंट था। मतलब जाहिर अगर आप वॉशरूम में खड़े हो एंड यू फीलिंग के आपको कोई देख रहा है, नंगा देख रहा है, सबसे पहले बड़ी बात ये कि वो आपको नंगा देख रहा है, एक तो आपको देख, छोड़ो, और नंगा देख रहा है, वो वीडियो बना ले मैं वायरल हो जाऊं, फिर जॉनी सिंस का भूत था भाई, भाई वो बहुत ज्यादा, और फिर उसको छोड़ो, ये लाइक 2-3 मंथ्स हो गए हैं, ये लाइक हमारे जो घर के बिल्कुल साथ है ना, हेलो इस वाले करते सुबह पूछा, लेकिन रात को 11 बजे कैसे, तो मुझे 11 बजे ना आवाजें आए फुल चीखने की, और पूरा लाइक पूरी गली ना बंद उनके वहां आ गई, देखा कोई बंदा था, एक लड़का था उस पे जिंदा, और कोई लड़की का था, और वो लाइक चीखती थी, और इतनी देर वो चीखती रही है, इतनी ज़्यादा रोई है, इतनी लाइक मेरी फट गई, मैंने दरवाजे बंद किया, और किस तरह बंद किया मुझे पता, बंद किया ये दरवाज़ा, बंद किया मैं उधर,
ये एक तो ये खुला इलाका है, और ऊपर से ना सफाई, ऐसी जगहों पे तो चीजें आती हैं, खुद को देख ले तू भी इधर ही जाता। फिर उसके बाद तब इंतजार किसका, हमें किसका, हमारी मेड का। अच्छा, जो वहाँ रहती है। अच्छा, फिर अगले दिन वो आई, उसने बताया कि वो जो लड़का था ना एक, उसकी हुई थी शादी, लेकिन शादी से पहले उस पर चली हुई थी एक लड़की जिन, और ये लाइक एक फैक्ट, इसने हमें बताया कि एक फैक्ट है कि अगर किसी पे, जैसे तेरे पे जिन है और तेरी शादी होगी ना, तो तेरी उस जिन से भी अपने आप शादी हो जाएगी। No, नहीं ऐसा नहीं। अब इसने बताया, अब मेरे को कोई नहीं पता इसमें क्या कितना है, पर वो लोग समझते हैं। अच्छा, उसने बताया कि वो उसकी उससे हो गई थी, जो लड़का था ना, तो क्या वो रात किसी और से लड़की हुई थी, तो उसकी उससे भी हो गई थी। कई जो उसकी बीवी है ना, उसके अंदर आता है और उसे मारता भी है, लेकिन उसको पास नहीं आने देता। बस ये था जो हमारी, जो रिसेंटली हुआ था वो ये था, और आज भी फटती है मेरे कमरे में मुझे बैठते हुए। यार वैसे मेरे घर के पास पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई भी है भाई साहब, और तू आज मुझे बता रहा है। तूने आना नहीं था, पीछे फोन लेता। मतलब अगर मुझे यकीन करो पहले पता होता तो आज मैं सब बैठा हुआ ये एक्टिविटीज ना कर रहा था यहाँ पे। ब्रो जस्ट सिंगल वॉल, जस्ट एक सिंगल वॉल का फर्क है, साथ साथ है फोन होते, मिनट नहीं लगना जिन्हों अच्छा टाप के होने के ना, सलाम अलैकुम पाए ना अंदर आ जा। बस ये दो जो थे मेरे को मेन थे, जो कि मुझे याद भी है, उसके अलावा कोई इतना कोई लाइक आंखों देखा नहीं हुआ था, बस यही था जिसका आपको 100% शावर हुआ। अच्छा, स्पेशली आई वांट टू लाइक, मैं इस वक्त टाइम बताना चाहूंगा कि हम किस वक्त बैठ के बातें कर रहे हैं। 3:34, ओके 3:34 इस टाइम बैठ के हम ये बातें कर रहे हैं। लाइक आप लोगों को भी पता होगा कि जब हम लोग जिन्नात की बात कर रहे होते हैं, वो हर जगह होते हैं, उनकी तादाद हमसे लेजिट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। देन जब भी आप उनका जिक्र, लाइक अगर आपका भी कोई जिक्र कर रहा है, अगर आपका भी कोई जिक्र कर रहा है, इस बारे में सोचा है और एकदम से दिल में ना बीमारी हो, हाँ, अगर आप भी किसी का जिक्र कर रहे हो और वो आपके कमरे के बाहर से या आपके पास से गुजर रहा है, वो आप में, वो आपकी बात में इंटरेस्टेड होगा, आपके पास आके बैठ देगा कि मेरे बारे में क्या बात हो रही है। एक तो बात हो रही है कि इसके घर के बिल्कुल पास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई हुई हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाता है और अगर तुम लोग कुछ देख लेते हो इधर उधर से जाता हुआ, तो मेरी स्टोरी कंप्लीट हो गई है, अब टाइम है तुम्हारी स्टोरी का भाई। अच्छा, गर्मी की छुट्टियां थी, 5 or 6 क्लास, लेकिन मुझे आज तक वो याद है, मेरे साथ ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं हुई। मैं इतकाफ़ पे बैठा हूँ, तो मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं, लेकिन एज इन होता है इतकाफ़ पे, लोग कहते हैं कि होता है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जितना कुछ देखा मैं वही बताऊँ। हम सारे इकट्ठे ही, लाइक ज़ाहिर है AC लगा हुआ होता है, ब्राउन फैमिलीज इकट्ठे ही सोते हैं। मेरा बेड अलग था, मेरी मामा से आगे, एंड मेरा भाई रेहान, एंड मेरे पापा। सुबह का टाइम था, फजर की नमाज नहीं, अजानों का टाइम था, आई गेस। मैं सोया हूँ और मैं ना, मेरी ना आँख खुलती है कि मेरा भाई रेहान जो है वो मेरे, लाइक हम ऐसे सोए हुए हैं और मेरा भाई मेरे सर वाले हिस्से पे खड़ा, एंड उसका चेहरा नहीं देखा, उसका मुंह नीचे था, एंड उसने रेहान वाले कपड़े, इसी वजह से मुझे लगा कि वो रेहान है, रेहान वाले कपड़े, रेहान वाली सेहत, उस जैसी जिसामत, उस जैसा रंग, लाइक सब कुछ पता चल रहा था कि रेहान है। एंड लुक एट मी ब्रो 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 ब्रो, जस्ट मेरे को ना वाइफ सही नहीं आ रही, मैं बड़ी गंदी फट रही है, कुत्ता भौंक रहे हैं और की हो रहा है रोज इस टाइम, नहीं कुत्ते तो दिन को भौंकेंगे, 3 बजे भौंकेंगे ना। अच्छा सर, दफा करो, इस वक्त ये बातें नहीं करनी। अच्छा, वेयर वाज आई, अच्छा मैंने क्या देखा है कि वो मेरे सर पे खड़ा हुआ है, सर के थोड़ा सा ना दूर थोड़ा सा, और वो खड़ा हुआ है, एंड सर नीचे करके खड़ा हुआ है, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, बैक दिख रही थी मुझे उसकी, मुझे ऐसा लगा कि शायद उसको जगह नहीं मिली ना सोने की। मैंने उसे बोला, रेहान क्या हुआ है, जगह नहीं मिली सोने की? उसने कोई जवाब नहीं दिया। आई सर रेहान मेरी जगह आके सो जाओ। मैं उठा अपने बेड से, मैं थोड़ा सा उठा, ब्रो
your gnome, bro. मैं जैसे ही ऊपर हुआ कि रेहान सो रहा है बेड पे सो रहा है तेरे साथ मेरे साथ नहीं मैंने बताया ना मेरा बेड अलग मामा रेहान पापा और तूने फिर पीछे देखा ना तूने पीछे नहीं नो ब्रो नो एट ऑल तूने फिर पीछे नहीं आई स्वेयर टू गॉड मैंने उधर नहीं देखा दोबारा जहां पे मैंने उसको देखा को बताया भी नहीं मैंने सबको बताया दोबारा उधर नहीं देखा जहां मैंने किसी को खड़े हुए देखा है उधर नहीं देखा मैंने दोबारा आई जस्ट हग माय पिलो और बस इमेजिन कि तुम उतनी देर बाद देखते हो लाइक वो तुम्हारे बिल्कुल मुंह के ना ब्रो अच्छा तो यार अगर तुम लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है ना तो मेक श्योर तुम लोगों ने वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया और अगर तुम लोग और एपिसोड चाहते हो तो तुम अपनी स्टोरी मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो नेक्स्ट एपिसोड में तुम लोगों की स्टोरी सुनाई लूंगा तो इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे खत्म मिलता हूँ तुम लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी तब तक के लिए अपना ख्याल रखो